Hello students, this is Krishna here and today we discuss a chapter of class 12th organic chemistry, that is alcohol, phenol and ether. देखिए alcohol, phenol और ether की बात करें तो तीनों अलग अलग होते हैं लेकिन पढ़ाई एक साथ जाती है. पढ़ाई एक साथ इन सेंस के एक ही चैप्टर में अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे और ईथर के बारे में पढ़ेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है, ठीक है. पहला आपका हैलोरिक एंड हैलोरिन्स आर वेरी वेल नोन, ठीक है. तो पहले हम पढ़ेंगे किस तरीके से, पहले हम अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सारी क्लासिफिकेशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर फिनॉल्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन. सेम ईथर, ठीक है. पहले बात करते हैं अल्कोहल्स की. देखिए अल्कोहल्स जो होते हैं वो R O H होते हैं. O H इनका सिंबल होता है, ठीक है. और इनका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसे हम बोलते हैं ऑल, ठीक है. तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं जो कि होता है सी एच थ्री ओ एच. इस तरीके से बनता है वो भी देखते हैं. हुआ क्या भैया कि आर एच है और उसको क्या करा, यहां से एच को हटाया और ओ एच को लगाया तो क्या मिल गया हमारा आर ओ एच, क्लियर. देखिए होता क्या है, एल्कोहल्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करे जाते हैं लेकिन यहां पे हम अलग अलग तरीके से कैसे बढ़ेंगे वो मैं बताता हूँ आपको. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी. क्या पढ़नी पड़ेंगी, क्लासिफिकेशन. पहले देखेंगे क्लासिफिकेशंस. देखिए क्लासिफिकेशंस में क्या क्या आता है. पहले आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. क्या होते हैं बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. अच्छा मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन वन, ठीक है. वन डिग्री नहीं, सिर्फ वन, ठीक है. तो एक OH ग्रुप मतलब एक OH लगा हुआ हो तो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है. तो सारे वैसे इस पूरे चैप्टर में हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही पढ़ेंगे मोस्टली. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कुछ फर्दर अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल होगा पूरे चैप्टर में, क्योंकि एक ही OH है जिससे पूरा चैप्टर चलेगा. फिर उसके बाद फर्दर आ जाते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पहले आते हैं प्राइमरी अल्कोहल, जिन्हें हम वन डिग्री अल्कोहल भी बोलेंगे. देखिए अब वन डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, देखिए सिंपल सी भी बात. वन डिग्री अल्कोहल वो होते हैं जैसे सी एस थ्री ओ एच लिखा हुआ है, ठीक. सी एस थ्री ओ एच का मतलब क्या हुआ, ओ एच सिर्फ उस कार्बन जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके बराबर में या तो एक कोई कार्बन जुड़ा हुआ हो या फिर एक कोई कार्बन नहीं जुड़ा हो, तो क्या होते हैं वन डिग्री होते हैं. जैसे एक और एग्जांपल ले लो सी एस थ्री सी एच टू ओ एच. देखिए ओ एच देखा, ओ एच के साथ एक कार्बन लगा हुआ या फिर ये कह लो एक कार्बन के साथ एक ओ एच लगा हुआ और एक और कार्बन लगा हुआ, ठीक है. जब इस वाले कार्बन के साथ एक ही कार्बन लगा हुआ हो वो आपका वन डिग्री बनता है, क्लियर है, जिसे हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोल देते हैं. वन डिग्री ही, उसके बाद सेकेंड डिग्री आएगा, फिर थर्ड डिग्री आएगा जिसे हम टर्शियरी भी बोलते हैं, अभी देखते हैं, क्लियर है. एक और बात समझिए, देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा वन डिग्री अल्कोहल. चलिए टू डिग्री अल्कोहल या भी मतलब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं. देखिए सेकेंडरी अल्कोहल जिन्हें हम टू डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं. देखिए अब टू डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं उनको देखते हैं, ठीक. देखिए सेकेंडरी अल्कोहल या टू डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ
बड़ी अच्छी चीज है, तो ध्यान समझो। ये OH है, OH किससे जुड़ा हुआ, एक कार्बन से, ठीक है। वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, दो कार्बन से, ठीक है। ये वाला कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कैसे अल्कोहल होते हैं बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। कैसे अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी पता करने का, ठीक है। क्या होते हैं ऐसे कार्बन जो OH से तो लगे हुए हैं ही, वो भी सी बात है, वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी या फिर सेकेंड डिग्री बोल दो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल बोल दो, ठीक है, या तो टू डिग्री बोल दो, सेकेंडरी अल्कोहल बोल दो। आगे कंटिन्यू करें, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी की, टर्शरी अल्कोहल जिसे हम बोलते हैं थ्री डिग्री अल्कोहल, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल और थ्री डिग्री अल्कोहल क्या होता है आपके, ध्यान से समझिए। जैसे अरे हाँ, एक और चीज समझिए, देखिए अभी हम क्या करेंगे इस पूरे चैप्टर में, कुछ कॉमन नेम्स के साथ, जैसे IUPAC तो सबको पता ही है क्या होते हैं, फिर भी हम कॉमन नेम के साथ भी चले चलेंगे। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, बड़ा ही फेमस है, इसका कॉमन नेम होता है 1, 2, 3, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। IUPAC भी देख लेते हैं भैया, 1, 2, 3, टू पे एल्कोहल है तो कितने कार्बन है, प्रोपेन, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, टू पे का ऑल लगा हुआ है, OH लगा हुआ तो टू, ठीक है। IUPAC नेम है इसका प्रोपेन टू ऑल, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाए बेटा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट टर्शियरी अल्कोहल पे आते हैं, देखिए टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं, CH3 अदर OH। ये भी वही पता करने का तरीका, देखिए सिंपल, कि जो कार्बन है इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तीन, देख रहे हैं, और ये सब किससे जुड़े हुए हैं, OH से। ये वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, OH से, और इस कार्बन के साथ तीन कार्बन और जुड़े हुए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये थ्री डिग्री। इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका कॉमन नेम पता करते हैं, पहले कॉमन नेम देखिए 1, 2, 3, तो इसे बोलते हैं 1, 2, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, सिंपल सी बात है। इसका अब कॉमन नेम देखते हैं, ये तो IUPAC हो गया, इसका कॉमन नेम देखते हैं 1, 2, 3, 4, इसे बोलते हैं बेटा टर्शियरी, टर्शरी बोले तो इस थ्री डिग्री है, इसीलिए टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई डाउट, ठीक, देख लीजिए एक बार, टर्शरी है तीन, थ्री डिग्री किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ये क्लासिफिकेशन चल रही, देखिए ऐसा होता है क्लासिफिकेशन में कई सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, कई सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे, कई सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं है इतने पे रुक जाता है, कई सारे मिलेंगे, कई सारे बिकट, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टर्शरी हो गया, हाँ। अब देखिए एक और होता है, अब ये तो मोनोहाइड्रिक हो गए, अब बात करते हैं डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, बड़ी ही बढ़िया सी चीज, देखिए डाइहाइड्रिक, अच्छा मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है 1 OH, डाइहाइड्रिक का क्या हो जाएगा बेटा 2 OH, मतलब जिसमें 2 OH लगे हुए हो। तो देखिएगा एग्जांपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसका, CH2OH, CH2OH, ठीक है। इसको ना ऐसा होता है, देखिए ये देख रहा है इसका, अब IUPAC नहीं बना था 1 और 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो इथेन, इथेन 1, 2 डाई ऑल, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, उसका नाम है, बड़ा हाईलाइट करके लिखेगा, ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोल। वैसे तो इसे इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, लेकिन आप ग्लाइकोल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट देखिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है अगर कह सके तो, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है ना थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ना,
और फिर उनको और अच्छे से समझ आना, और समझ में आ जाए तो और ही अच्छी बात होती है। नेक्स्ट बात है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, जिसमें तीन OH ग्रुप, OH ग्रुप क्या तीन OH ही है, जैसे CH2 OH CH OH CH2 OH। ठीक, इसमें क्या करना है बेटा आपको, देखिए सिंपल सीधी बात, 1 2 3 3 कार्बन। IUPAC तो बना लोगे इसके, लेकिन कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। कॉमन नेम क्या होता है इसका, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल से भैया ग्लिसरॉल क्या होता है कि हाँ भाई जो चेहरे पे लगाया जाता है, हाँ भैया वही ग्लिसरॉल होता है, बड़ा ही बढ़िया चीज है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। कॉमन नेम याद रखिएगा, कॉमन नेम बड़ा कुछ रहता है तो इसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा गंदा सा हो गया था, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल भी आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का पार्ट होता है। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल को क्या बोलते हैं समझिए, पहले मैं बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। क्या होता है एलाइलिक एल्कोहल के ऐसे कार्बन, ठीक है, जो डबल बॉन्ड के पास में हो उसके पास OH ग्रुप, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे क्या लगा हो बेटा, OH ग्रुप लगा हो, उसे क्या बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। देखिएगा इसका नाम करते हैं, नामकरण करते हैं, इधर से काउंट करने तो 1 2 3 2 पे क्या बेटा, सॉरी 1 पे क्या है छोड़ो, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन प्रोप 1 2 3 3 ऑल। ठीक, क्या बोलते हैं इसे, प्रोपेन प्रोप 3 ऑल बोलते हैं इसे। ठीक, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, जिधर डबल बॉन्ड है उसके बराबर वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ OH, उसको क्या बोलते हैं बेटा एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं। एक होता है विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, क्या बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, उस कार्बन पर लगता है जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, वैसे बोलते हैं OH। ठीक, अब यहां पे लगा हुआ है क्या आपको बेटा, एक चीज नोटिस करिएगा, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में क्या लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ OH। तो विनाइलिक एल्कोहल वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में क्या लगा हुआ OH ग्रुप लगा हुआ, उसे क्या बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। इसको भी जरा ध्यान समझिएगा कि विनाइलिक एल्कोहल वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में क्या लगा हुआ वो OH ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, विनाइलिक एल्कोहल, यहां तक समझिएगा। अब जरा एक चीज याद रखिएगा कि जो विनाइलिक एल्कोहल होते हैं आपके, ठीक है, जो विनाइलिक एल्कोहल होते हैं तो इनको देख के ना एक चीज याद आती है, क्या पहले इसका नाम बनाते हैं, इसे बोलते हैं इथिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा, दो कार्बन है तो इथीन और इधर ऑल, इथीन ऑल। अच्छा इथिनॉल, ये जो ना इथिनॉल, इथिनॉल से एक चीज याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था टोटोमरिज्म, टोटो नहीं बोलते उसे, टोटोमरिज्म, ऐसे स्पेलिंग होती है TAUTO। ठीक है, टोटोमरिज्म, टोटोमरिज्म पढ़ा था, टोटा मत कर देना बेटा। टोटोमरिज्म क्या था, टोटोमरिज्म ना ये बताता है कि ये जो है ना, ये वाली जो कंडीशन है इसकी एल्कोहल की, ये अनस्टेबल होती है। क्यों होती, बिकॉज ऑफ टोटोमरिज्म। ठीक है, तो ये क्या चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर क्या बेटा OH। ठीक, ये चीज होती है, तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है और H इधर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है देखिएगा,
ये रिवर्सिबल वाला साइन लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बन जाता है बेटा हमारा, ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर H, दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसको समझिएगा। क्यों? क्योंकि इत्तेफाकन कहीं भी एग्जाम में कोई भी रिएक्शन फॉर्मेशन हो रही है और उसमें आपको ये ऑप्शन भी दे रखा हो, ये ऑप्शन भी दे रखा, तो आप इसको ना लिख के इसको लिख के याद रखिएगा इसे, क्योंकि ये एक स्टेबल कंडीशन है किसकी, विनाइलिक एल्कोहल की, ठीक है, जो कि किसमें चेंज हो गई, एल्डिहाइड में चेंज हो गई। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम होता है इसका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, याद रखिएगा इसे। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा रह गया, देखिए अब बेंजाइल एल्कोहल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल बोल लो, हाँ बेंजाइलिक एल्कोहल बोल दो, चलिए देखिए बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल या बेंजीन नहीं है, बेंजीन अलग होता है, बेंजीन का मामला, ठीक है, बेंजीन का मामला क्या रहता अलग रहता, लेकिन बेंजाइलिक एल्कोहल क्या रहता, जैसे मान लीजिए अच्छा वो ऐसी वाली नहीं बनाते, ऐसी वाली बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया CH2OH। देखिए बड़ा ही ये भी इंटरेस्टिंग है, इसका IUPAC नियम याद रखना, क्योंकि IUPAC नियम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए IUPAC नियम में इसको मेन चेन लेते हैं, मेन चेन रहती है, तो ये मेन चेन है तो ये साइड रहेगा, ठीक है, तो इसका IUPAC नेम बनाते हैं। वन पे देखिएगा, वन पे ही पूरा आ रहा, ठीक है, तो जब बेंजीन ऐसा साइड चेन वर्क करती है तो उसे फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा इसका नाम, वन फिनाइल, वन फिनाइल, वन कार्बन है तो बेटा मीथेन हो गया, क्या बोल देंगे बेटा, वन मेथा, वन फिनाइल मीथेन हो, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, इसका कॉमन नेम बनेगा आपका बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल फिनॉल नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा, फिनॉल की और एल्कोहल की प्रॉपर्टी काफी वेरी करती है, वो माननी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी एल्कोहल की क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाती है, और बाकी फिनॉल की क्लासिफिकेशन हम आगे करते हैं।